कुछ बाकी लेसन रिव्यू करते हैं। जैसे कि पहले तमाम बहुत डिटेल्स मैं बता चुकी हूँ, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बाकी हो तो आप फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं जी, पूछ सकते हैं। अब आप बच्चे को कॉन्सेप्ट देंगे, ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनको वो जानते नहीं है। पहले आप एक कमरे में उसकी स्पीच कर रहे हैं, आपके अपने ही उनसे सवाल कर रहे हैं, आपके अपने ही जवाब दे रहे हैं। नहीं, अब आपको बच्चों को बाहर लेके जाना होगा। आप कोशिश करें कि वीक में वन टाइम जो है वो इसका आउटडोर एक्टिविटी ज़रूर बच्चे की रखें। उसमें फैमिलर अनफैमिलर, ये कि फैमिलर जो घर के बंदों के साथ, चलो वो एक रिलेशन में था तो उनके साथ क्वेश्चनिंग कर रहा था। अब अनफैमिलर वो लोग जिनको वो नहीं जानता है, उनके पास लेके जाए, वो क्वेश्चन करें और ये बच्चा आंसर करे, ताकि एक तो ये सोशलाइज होगा, इसके अंदर जो है वो हिम्मत बढ़ेगी कि मुझे आंसर करना है। जो एक झिझक होती है बच्चे के अंदर, डर होता है कि मैं बोल नहीं सकता, मैं मतलब ये लगी हुई है डिवाइस और बाकी बच्चों को नहीं लगी और मैं बोल नहीं रहा सही, कुछ बच्चे होते हैं फील करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें एक पेरेंट बी का पेरेंट आप लोग को ख़त्म करनी है। आपने एक इन्वायरमेंट बिल्ड करना है जिसमें आपने उसको एक टारगेट जो है वो आपने चेक करना है कि मेरे बच्चे को जो है वो अभी तक समझ आई कि नहीं। क्योंकि शुरू से जब आप बच्चे को कहते हो मुझे चाबी दे दो या कार बाहर निकाल रहे हैं पापा या पापा का कोट ले आओ, तो बच्चे को जो है पता होता है ये तमाम चीज़ें बाबा को तब चाहिए होती जब बाबा बाहर जाते हैं, ठीक है, घर से बाहर जा रहे हैं। तो अपने शूज़, फिर आप उस बच्चे को जो है वो उस बच्चे को ये बताना चाह रहे हो कि वो भी हमारे साथ चल रहा है, आप उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ कर रहे हो, उसकी अटेंशन जो है वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हो, उसकी जो है वो लैंग्वेज को डेवलप करना चाह रहे हो, तो उसके लिए फिर आप सिर्फ बोलोगे कि मेरा कोट ले आओ, ठीक है। बच्चा चाबी खुद लेके आएगा, अपने जूते उठाएगा और कार तक जाएगा, उसे पता होगा कि अभी हमने जाना है। तो इसमें आपने उसको अल्फाज देने हैं, जैसे कि अपने जूते लाओ, चाबी लाओ, मेरा कोट कहाँ है, ओके चलो बाहर चलें, कुछ छोटे छोटे सेंटेंस हैं। जब बच्चा छोटे छोटे पे आएगा उसके अंदर फिर आपने प्रेपोजिशन ऐड करते जाना है, फिर उसमें आपने एडजेक्टिव्स ऐड करते जाना है, फिर सेंटेंस को लंबा करते जाना है, और ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, ये एक या दो दिन की बात नहीं है कि बच्चा सीख जाएगा। उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट उसको देना है और या, ठीक है, अगर आपको मतलब ये चाहिए या ये चाहिए, ये लेना है या ये लेना है, बिटवीन मतलब उसको आपने जो है वो सिखाना है कि उसकी जो टू मतलब दो चीज़ों के बीच में उसकी जो ख्वाहिश किस चीज़ की तरफ है और क्या लाइकिंग और डिसलाइकिंग है वो बतानी है। फिर स्पॉन्टेनियसली बच्चा बाय बाय और सलाम, मतलब स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है कि बच्चा खुद से, मतलब आपने उसको अब नकल साजी नहीं सिखा रहे, अब उसे पता है जब घर से कोई बाहर जा रहा है तो मुझे अब इतनी देर से मामा बता रही है बाय बाय जब कोई जाता है या कोई काम मैं कहीं जा रहा हूँ तो उसे बोलना है बाय बाय, तो वो खुद से करे मामा बाय बाय, ठीक है, मामा वो सीख चुका है तो मामा बाय बाय। फिर कोई आया तो वो ज़्यादा नहीं तो हाथ आगे बढ़कर खुद से उनको सलाम करे, उनको हाथ मिलाए, ग्रेटिंग दे, और जो है वो लफ्ज़ अगर पूरा सलाम अलैकुम अभी वो नहीं सीख रहा तो सिर्फ सलाम छोटा सा लफ्ज़ बोल दे, जितना आता है वो नहीं बोल सकता, तो हाथ मतलब वो बच्चे का आगे जाना चाहिए मेहमान तक, ताकि उसे पता चले कि कोई आए तो ये मुझे एक्शन करना है। उसी तरह फिर फैमिली के नेम्स की तरफ आपने ले आना है, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब अपना नाम याद हो जाए तो फैमिली के नामों की तरफ आपने बच्चे को लेके आना है। फिर आप आ जाते हैं जी नाउन, नाउन को आपने यूज़ करना है स्मॉल सेंटेंसेस, जैसे कि अगर बच्चे को एक नाउन आता है जिसमें कार उसको आता है, कार आता है तो आपने उसको कलर देना है, एडजेक्टिव को साथ यूज़ करना है। एडजेक्टिव अब आप कह देते हो जी उसे कलर्स आपने सिखाए हैं, कोई एक आधा, ज़्यादा नहीं मैं कह रही, कोई एक आधा कलर आपने उसको सिखाया है उसको, क्योंकि ना ये जो आप वन वर्ड ऑडिटरी है वो तो आप सीक्वेंसली कर रहे हो ना, जब सारे एनिमल हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, तो आपने उनको टर्न्स टू नेम करना है ना, तो वो ज़रूरी नहीं, वो सारी उम्र ये तो नहीं कहेगा ना हाथी को देखे ई, आपने ई को एलिफेंट में भी तो चेंज करना है, आपने उसे बताना है ई किसे कहते हैं, हाथी, ये कौन सा एनिमल है, हाथी। तो ये भी एक स्टेज जो शुरू में थी, शुरू के रिव्यूज़ में, शुरू के लेसन में ऐड है कि आपको बच्चे के ऊपर इन चीज़ों पर भी काम करना है। फिर उनको नेम्स की तरफ लेके आना है, जैसे कुक कुक करती है तो फिर ये हैन है, ये क्या है, ये हैन है। ऐसा ऐसा जब आप रैंडमली कार्ड उठवाते हो तो बच्चा आपको बताता है कि जी आपने जैसे कि उसको 10 कार्ड आते हैं, आपने 10 कार्ड बच्चे के सामने प्लेस कर दिए और उसके बाद आपने जो भी आपकी जो डिज़ायर थी आपने उसे डिमांड किया, आपने कहा मुझे कार दे दो, आप वो नाम याद कर चुका है तो वो आपको कार अगर पता तो दे देगा, अगर नहीं पता तो आपको प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉम्प्ट देकर उसे दोबारा याद करवाना है और उसके बाद जो अगला कार्ड आपने पूछना है उसी पे नहीं फंसे रहना कि कार ही आज बार बार पूछना है। अगर आप उसे मोंकी मोंकी उसने दे दिया, ओके फिर आपने कार्ड चेंज किए, इस मोंकी को आपने प्लेस कर दिया दूसरी जगह पर, इस तरह रैंडमली आपने एक सर्कल चलाते जाना है और चेंज करते जाना है। तो ये तमाम चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती हैं।
ये जब हो गया तो उसे नेम्स याद हो गए तो ये वो आ गया नाउन यूज इन स्माल। अब उसे कार आती है और आपने दो कलर्स करवा दिया, रेड ब्लू रोज़। आपने जब पेंटिंग करवाते हो आपको एक एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया कि सारा दिन में आपने अपने बच्चों का स्केड्यूल बनाना है कि सुबह में अगर आपने ऑटोट्रिक कराई है, सेकेंड टाइम आपने क्या कराया और थर्ड टाइम क्या करवाना है, तो उसमें आपने कार्ड्स करवाए हैं सेकंड टाइम में, उसमें कार्ड्स में जो एक एनिमल ले लिया, एक आपने ट्रांसपोर्ट ले लिया, एक आपने कोई नाउन कुछ और ले लिया किसी का, मतलब कोई भी चीज़ घर की जो है वो टेबल चेयर नॉन लिविंग थिंग में से कुछ ले लिया, और साथ ही आपने कलर्स का कोई एक कार्ड ले लिया। आपने चार कार्ड आपने कहा मैंने इस वीक में कराने, तो बच्चे का देखिए कराइए कि वीक में आप पाँच कार्ड भी करवाएँ तो एक महीने में 20 जो है चीज़ें बच्चा याद करता है। उसके बाद जो है कुछ बच्चे होते हैं वो 40 भी कर लेते हैं, तो वो आपने रैंडमली उनको चेक भी करना है। अब उनको आपने सेंटेंस में लेके आना है। अब ये तो नहीं ना वो बस मैं सारी उम्र यही मांगती रहूँगी ये क्या है कार, ये क्या है बिल्ली, ये क्या है कुत्ता, अब मुझे दे दो, नहीं। उसमें आपने दे दो का कमांड भी बच्चे को दे रहे हो और बच्चे को पता दे दो, अब बच्चे को पता पानी के साथ मुझे लगाना है दे दो, क्योंकि जब दे दो का कॉन्सेप्ट उसको क्लियर होने लग जाता है कि कुछ चीज़ मुझे दे दो, आप नहीं तो हाथ के शर्त से देते हो दे दो, उसको वो पता चल जाता है पानी दे दो, फिर वो खुद से भी डिमांड करता है। तो जैसे कि पहले डिमांडिंग थी कि उसको आप प्रैग्मेटिक्स में जो है वो डिमांडिंग सिखाते हो। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ये कार्ड्स। ये कार्ड्स जब आ गए हैं तो आपने करवा ली हैं, इनको आपने सेंटेंस में लेके आना। आपके पास कार है जो बच्चे ने खेली हुई है, उसे पता है ये कार है, कार पिप 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 करती है और जो है वो कार टायर पर चलती है। आपने एक चीज़ की जनरलाइजेशन भी उसे करवाई है, कार रोड पर चलती है। तो उसके बाद आपने उसके साथ कलर जोड़ दिया, ये रेड कार है, ये येलो कार है, ये ब्लू कार है, जितने कलर्स नेम याद है कार के साथ मिलाते जाएँ। एप्पल आपको होता है दो कलर का, दो कार्ड रख दें ग्रीन और रेड, एप्पल ग्रीन है, एप्पल रेड है या एप्पल मीठा है, तो आपने ये एडजेक्टिव्स को उसके साथ मिलाना है और उसको जो है वो जुमलों में चेंज करते जाना है। साथ साथ आप फिर आपने एक्शंस की तरफ भी आना, बच्चे को एक्शंस पे लेके आना है। छोटे छोटे जैसे कि आप हाथ धोने गए हैं तो बच्चे को वॉश वॉश वॉश, ओह डर्टी हैंड, वॉश वॉश वॉश, इस तरह बच्चे गंदे हाथ हैं चलो धो लें, जो आप करवाना चाहते हो उस तरीके से। ओ स्माइलिंग, आर यू स्माइलिंग, स्माइल कर रहे हो, स्माइल बेबी स्माइल कर रहा है, तो ये एक्शंस में भी आ जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है। आप उसे पूछो स्माइल, बच्चा गुस्से में है, पूछें ये बच्चा कैसा है, गुस्से में है, उसे गुस्से का वर्ड आपने सिखा दिया। इस तरीके से हमने उसको जो है वो एक्शंस में भी लाना है। ईटिंग, क्या कर रहे हो आप, खाना, बस ठीक है, इससे पता वो आपको पता चल गया वो बता रहा है मैं खाना खा रहा हूँ अभी, लेकिन आपने उसको रिपीट करना है खाना खा रहा हूँ, लेकिन वो बोलेगा कुछ वर्ड्स उसमें से कुछ खा जाएगा, लेकिन आपने अपनी लैंग्वेज सही रखनी है। शुरू में कम बोलना ज़्यादा है, अल्फाज छोटे रखने हैं, ये नहीं है कि अल्फाज लंबे लंबे जुमले बना के जो है बोली जाएँ बच्चे को समझ नहीं आ रही। आपने उसको उतनी ही देनी है इन्फॉर्मेशन जितनी उसे चाहिए उस टाइम, उसी कोई चीज़ छुपा दें, उसे पूछे ओ हो मुझे पेन नहीं मिल रहा आपका, आपकी शर्ट नहीं मिल रही, आपकी शर्ट नहीं मिल रही, ब्लू शर्ट, इस तरीके से बच्चे को पता चलेगा कि मेरी शर्ट के बारे में बात हो रही है। और वो शर्ट आपने स्पेसिफिक 3-4 कैबन्स के अंदर ही छुपाई होनी चाहिए ताकि उसे ज़्यादा जो है वो मेहनत ना करनी पड़े। जैसे शर्ट निकले तो आप एक अच्छा रिएक्शन दें और खुशी का इजहार करें कि मेरे बेटे ने ढूंढ ली है, ठीक है। उसमें जो है वो फिर आप उसे स्टार भी दे सकते हो, गुड बॉय भी कह सकते हो, उसे कोई उसकी फेवरेट चीज़ मुँह में थोड़ी सी डाल दें, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि उसका जो है वो पढ़ाई में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं ख़त्म करना आपने, एकदम से आप सब कुछ दे देंगे बच्चे को, बच्चा कहेगा ओके जी मिल गया सारा कुछ, दे जावे पढ़ाई, तो वो ये वाले काम नहीं करने हैं। उसके बाद आपने क्या सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करते जाना। सॉरी पहले था ये शो में स्टोरी टेलिंग स्टार्ट कर देनी है आपने, ठीक है। उसमें तस्वीरें बनी होती है, उसमें देखें एक्शन भी आ जाएंगे, उसमें क्वेश्चन भी आ जाएगा, जैसे कि ये क्या है, ये टेबल है, ये क्या है, ये चेयर है, ये क्या है, ये बेबी है, ओके बेबी क्या कर रहा है, स्माइल, बेबी क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, ईटिंग, बेबी क्या कर रहा है, राइडिंग, तो एक्शंस भी आ रहे हैं, क्वेश्चनिंग भी आ रही है, तो आपने स्टोरी टेलिंग भी करनी है और उससे पूछना है साथ साथ, शो मी, ओके शो मी वेयर इज कैट, शो मी मुझे दिखाओ कैट कहाँ है, फिर आप उसे पॉइंटिंग भी कर सकते हो, पॉइंट आउट करो वेयर इज कैट, ओके पॉइंट आउट करो, अपनी फिंगर को पॉइंट आउट करे वो ऐसे करके ये कैट है, ठीक है, शो मी पे वो आपको दिखाए। उसके बाद ये चीज़ें आपको इन्हेंस करनी है, स्ट्रक्चर चेंज करते रहना है, एक ही स्ट्रक्चर पे नहीं रहना है, सारी उम्र दे दो दे दो दे दो नहीं रहना, कि अगर कभी आपने अगर कहा मुझे कैट दे दो, ओके कैट कहाँ है, उठाओ चलो उठाओ कैट का कार्ड उठाओ, ओके मुझे ये दे दो, ओके फिर आपने चेंज, जैसे कि यम्मी का वर्ड है आइसक्रीम के साथ जो आप रिलेट करते हो या मज़े की चीज़ों के साथ, अब हो यम्मी आइसक्रीम किसको खानी है, आप उसे पता है आइसक्रीम यम्मी खाने वाली चीज़ यम्मी, और
आपने यमी को स्टार्ट में किया फिर चेंज कर दिया, ओह आइसक्रीम खानी है यमी होती है ना, यमी को आपने लास्ट में ले गए, आप स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो ताकि उसको पता हो कि ज़रूरी नहीं है यमी ने स्टार्ट में ही आना है, ज़रूरी नहीं है एट द एंड आना है और जो है इन बिटवीन नहीं आना। ये तमाम चीज़ें आपको बच्चों को बतानी है, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपको चेंज है, जैसे ये क्या है हम कहते हैं आपका नाम क्या है, अक्सर हम ये पूछते हैं, या कुछ लोग पूछते हैं जिसके नाम क्या है, ठीक है आपका नहीं बोलते, या कुछ कहते हैं क्या नाम है आपका, क्या को वो शुरू में ले आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है बच्चों को पता होना चाहिए, क्या और नाम दोनों रिलेट हैं। जैसे ही कोई मुझसे पूछ रहा है क्या, वो क्लिक करेगा, इसे कहते हैं ऑडिटरी क्लोज, मतलब कि उसने अल्फाज में से कुछ चीज़ों को चुना और वो चुन के उसने जो है वो हिसाब लगा लिया कि मुझे इस चीज़ का आंसर करना है। अक्सर हम बड़े बच्चे भी अगर देखें मैथ के क्वेश्चन होते हैं तो फिजिक्स मिस्ट्री होता है तो क्या करते हैं, यार ये वाली एब्रीवेशन आएगी ना, यार ये वाला जो है वो फार्मूला आएगा ना, इसके यहाँ पे ये है ना A2 ये आएगा तो इसका आंसर A3 इस तरीके से होगा, ये चीज़ें। तो ये मतलब ये शुरू से तमाम लोग करते हैं, ये बच्चे भी करते हैं, तो आपने इनको देने हैं, इनको हिंट देने हैं एक लैंग्वेज के अंदर, ताकि उसे क्या नाम के बाद उसे पता हो कि आगे पीछे क्या बोला, उसे नहीं पता आपका बोला है वो, क्योंकि शुरू है स्टार्ट है, लेकिन बाद में आपको ये ठीक करवाना है कि वो पूरा जुमला सुने, क्या नाम के साथ आपने पापा बोला है, क्या नाम के साथ आपने मामा बोला है, जैसे कि आपकी मामा का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपके भाई का नाम क्या है, तो उसको अब नाम का पता चल गया कि नाम का मतलब है किसी के बारे में इंट्रोड्यूस करना, कुछ उसका नाम बताना, उसका शख्सियत में क्या है वो बता रहा है, तो वो लेकिन किसके बारे में बताना है, मामा पापा भाई बहन किसका नाम बताना है, तो ये चीज़ें भी फिर उसको मैटर करती है। होप सो आपको जो है वो समझ आ चुकी हो चुकी तमाम रिव्यू लेसन्स की, और अब चलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन की तरफ, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।